नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट नजर डालते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। मंडला जिले से एमपी में मानसून की एंट्री, इस साल 7 दिन लेट हुआ, 2 से 3 दिन में पहुंचेगा भोपाल। इस्तीफा देने वाली डिप्टी कलेक्टर को नोटिस, भोपाल में सरकारी आवास पर है कब्जा। एकांतवास के बाद राजगढ़ में कथा करेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। गुजरात से मंगवाई 30,000 साड़ियां, पैलेस के कमरों को तोड़कर बनवाए गए 2 स्पेशल रूम। राजस्थान समेत 20 राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश। मानसून 7 दिन देर से एमपी पहुंचा, असम के 19 जिलों में बाढ़, 1500 गांव डूबे। मणिपुर में मंत्री के गोदाम में लगाई आग, हिंसा पर संसद में अमित शाह ले रहे सर्वदलीय बैठक, पहुंचे विपक्षी पार्टियों के नेता। केदारनाथ मंदिर से 23 किलो सोना चोरी, तीर्थ पुरोहित बोले दीवारों पर गोल्ड की जगह केमिकल पॉलिश किया गया, सरकार ने बनाई जांच कमेटी। शाह ने श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का किया शिलान्यास, राजनेताओं से मुलाकात कर दोपहर में दिल्ली लौटे, 2 दिन के दौरे पर थे गृहमंत्री। जिस गांव में पहुंचेंगे पीएम मोदी, वहां 200 महिलाएं लखपति, सरपंच उपसरपंच समेत 20 में से 13 महिलाएं पंच, ये सशक्तिकरण की मिसाल। विपक्ष की एकजुटता पर सीएम शिवराज का तंज, कहा एक पेड़ पर मेढक, सांप, बंदर, कमलनाथ बोले आपकी भाषा स्तनहीन। क्योटी जलप्रपात में युवक ने लगाई छलांग, रीवा में पत्नी को मोबाइल में मैसेज भेज 700 फीट गहरे कुंड में कूदा, 2 दिन से चल रही सर्चिंग।